सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 235 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे 236 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 है, तो किस अनुपात में ए और बी को मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी को आधी आधी हो जाए। दूध और पानी आधा आधा हो जाए ना कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, दूध और पानी का रेशियो दिए हैं। दो बर्तन हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो बर्तन ए में दूध और पानी का रेशियो है 4:3, 4:3 का अनुपात है। फिर दूसरे बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो ए में ये दूध है, दूध 4 लीटर है, पानी 3 लीटर, दूध इसमें 2 लीटर है, पानी 3 लीटर है। तो पहले दूध को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल लिखते हैं, तो 4/4 = 7 हो जाएगा रेशियो। दूध को ऊपर रखेंगे, 2/ कुल 5 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं ए और बी को मिलाया जाए, किस अनुपात में ए और बी को मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा आधा आधा हो जाए। तो दोनों को हम मिलाएंगे ना, और जब मिलाएंगे तो यहीं पे तो लिखेंगे, तो दूध और पानी की मात्रा कितनी हो रही है, आधी आधी हो रही है। आधी आधी का मतलब 1:1 हो रही है। एक को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में दोनों को जोड़ के लिखते हैं, 2 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 2/5 माइनस 1/2 रेशियो 1/2 माइनस 4/7 हो जाएगा। तो ये 2 × 4, 5 × 1 = 5, तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1/5 × 2 आ जाएगा, 1/5 × 2 होगा। 7 × 1 = 7, 2 × 4 = 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/2 × 7, 2 × 7, तो 2 से 2 कैंसिल होगा ना, और 7 इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, तो 7:5। दूध और पानी का रेशियो कितना आया, 7:5 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बर्तनों में एसिड और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। एक मिश्रण में तीनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया गया, तो नए मिश्रण में एसिड व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नए मिश्रण में एसिड और पानी की मात्रा बतानी है ना, देखते हैं। तो दिए हैं 3 बर्तन हैं और तीनों में एसिड और पानी का रेशियो है 2:1, 2:1। फिर दूसरे बर्तन में है 3 और 2 है, 3, 2। तीसरे बर्तन में है 5 और 3 का रेशियो है, 5:3 है। ये पहला बर्तन हो गया, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन। तो किसका किसका मिश्रण है, एसिड और पानी का है। एसिड, ये एसिड है और ये वाटर है, इसमें ये एसिड है, ये वाटर है, एसिड और वाटर। एसिड सब में का हम एसिड 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 ले लेंगे, तो ये इसमें कितने एसिड हैं, 2 है ना, तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल, 2×1 = 3 हो जाएगा। प्लस फिर दूसरे बर्तन का हम एसिड लेंगे, तो दूसरे बर्तन में कितना एसिड है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, बटे में 5 हो जाएगा। प्लस फिर तीसरे बर्तन का हम एसिड लेंगे, तो 5 है, 5/5 = 3 = 8 हो जाएगा रेशियो। अब पहले बर्तन का वाटर लेंगे, फिर दूसरे बर्तन का लेंगे, फिर तीसरे बर्तन का वाटर लेंगे, तो तीनों बर्तन का वाटर लेके हम जोड़ेंगे, 1/3 हो जाएगा, प्लस 2/5 प्लस इसमें का वाटर, 3/8 होगा ना। और अब हम एलसीएम लेंगे इसमें से, तो 3×5×8 हो जाएगा, तो 8×8 = 40, 40×2 = 80 हो जाएगा। प्लस 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3×3 = 9, 9×8 = 72 प्लस
फिर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 50 25 25 75 होगा रेशियो। फिर यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, 3 × 5 × 8 हो जाएगा, 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 8 × 5 = 40 होगा, प्लस 5 से 5 कैंसिल होगा, तो 3 × 6 = 6 8 = 48, प्लस 8 से 8 कैंसिल होगा, 5 × 3 = 15 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 45। अब देखिए सब में 3 5 8 मिल रहा, बटे में 3 5 8 मिल रहा है ना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हम इसे मिटा दे रहे हैं, तो ये बचेगा इसमें 5 × 2 = 7 और 7 × 7 = 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 227 आएगा। रेशियो 40 40 और 48 आ जाएगा 88, 88 में 45 जोड़ेंगे, 8 × 5 = 13 और 9 × 9 = 4 = 13, 133 आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया, एसिड और वाटर का, एसिड 227, वाटर 133 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन है, दो मिश्र धातु कॉपर व टिन से बने हुए हैं, जिनमें कॉपर व टिन क्रमशः 1:3 और 2:5 के अनुपात में है, तो किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में टिन व कॉपर का अनुपात 8:3 हो जाए। तो देखते हैं क्या क्या किसका किसका रेशियो दिए हैं, कॉपर और टिन का रेशियो दिए हैं ना, कॉपर और टिन दोनों का रेशियो दिए हैं, तो कॉपर 1:3 दिए हैं, 1:3 दिए हैं। फिर दूसरे बर्तन में कॉपर और टिन का रेशियो दिए हैं, कॉपर है 2:5 है, 2:5 है। फिर ये कह रहे हैं तो किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए कि जिससे नए मिश्रण में टिन व कॉपर का अनुपात, टिन व कॉपर, अब देखिए पहले टिन दे दिए हैं फिर कॉपर दिए हैं, पहले देखिए सब में कॉपर कॉपर है ना, तो कॉपर को हम पहले लिखेंगे, 8 और 3 दिए हैं, 8 3, तो कॉपर को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे जब दोनों को हम मिलाएंगे तो बीच में लिखते हैं ना, तो 3:8 हो जाएगा, कॉपर 3 है और टिन 8 है, तो यहाँ पे देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/4 रेशियो 2:7 3/11 होगा ना, माइनस करेंगे 2/7 माइनस 3/11 रेशियो 3/11 माइनस होगा, रेशियो नहीं होगा, तो 3/11 माइनस 1/4 होगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 11 और 7 आएगा ना, 77 आ जाएगा, तो 11 का गुणा 2 में कराएंगे तो 11 × 2 = 22 और 7 × 3 = 21, तो 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1/7 × 11 रेशियो 4 × 3 = 12, 12 में से 11 घटाएंगे तो 1/11 × 4 आ जाएगा, 11 11 देखिए दोनों में कॉमन है ना बटे में, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और 7 इधर जाएगा, तो 4:7 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिश्रण में वोडका व पानी का अनुपात 4:3 है, यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण 4:5 हो जाता है, तो शुरुआती मिश्रण में वोडका की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोनों का रेशियो कितना दिए हैं, 4 और 3 दिए हैं वोडका और पानी का, वोडका और पानी का अनुपात 4 और
तीन दिए हैं, रेशियो में दिए हैं ना, तो हम x मान सकते हैं x x। फिर ये कह रहे हैं यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए, मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला रहे हैं तो हम यहाँ पे मिलाएंगे ना पानी, 3x+5 हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो कितना हो रहा है, 4 और 5 का रेशियो, तो 4/5, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x=3x+5। तो 5 में से 3 घटाएंगे बराबर के इधर आएगा ना, 5 में से तो माइनस ही होगा, तो 2x=5, x=2 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं शुरुआती मिश्रण में वोडका की मात्रा ज्ञात कीजिए। वोडका शुरुआत में कितना था, 4x था ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे, 4 × x की वैल्यू कितनी है, 5/2 है ना, 5/2 हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2×5 = 10 लीटर। तो वोडका की मात्रा कितनी आई, 10 लीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो मिश्र धातु ए और बी में जिंक तथा टिन क्रमशः 5:2 तथा 3:4 के अनुपात में है 7 किलोग्राम मिश्रण ए का व 21 किलोग्राम मिश्रण बी को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया, तो नए मिश्रण में जिंक व टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जिंक और टिन का अनुपात निकालना है ना, दिए हैं इसमें ए और बी, दो मिश्र धातु हैं ए और बी में जिंक और टिन क्रमशः कितना है, 5 और 2 है, 5 जिंक है, 2 किलोग्राम पानी है। ये बर्तन ए का दिए हैं, किसका, बर्तन ए का दिए हैं, और बर्तन बी का क्या दिए हैं, 3 और 4 दिए हैं, 3 और 4 दिए हैं। तो ये कह रहे हैं 7 किलोग्राम मिश्रण ए का, 7 किलोग्राम मिश्रण ए का कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो 7 किलोग्राम मिल रहा है, सही है। फिर दूसरे का देखते हैं, कह रहे हैं वह 21 किलोग्राम मिश्रण बी को मिलाकर, और बी का कितना दे रहे हैं, 21 दे रहे हैं ना, और हमारा कितना आ रहा है, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 किलोग्राम आएगा ना, 7 आएगा, लेकिन वो कितना दिए हैं, 21 दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 21 होना चाहिए, तो कितने से गुणा कराएंगे, 7 में 3 से कराएंगे ना, तो यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे तो 21 किलोग्राम मिल जाएगा। फिर यहाँ भी हम 3 से गुणा कराएंगे, 3 × 12 हो जाएगा, 3 से यहाँ भी कराएंगे गुणा, 9 हो जाएगा, 9। अब देखिए ये कह रहे हैं तो नए मिश्रण में जिंक व टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये नया मिश्रण आ गया बनके ना, तो हम इसको जोड़ लेंगे, जिंक बर्तन ए का जिंक जोड़ेंगे, बर्तन बी का जिंक जोड़ेंगे, तो 9 × 4 = 9, 5 × 14 हो जाएगा रेशियो, 12 × 2 = 14 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया रेशियो दोनों का, 1:1 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 400 ग्राम मिश्र धातु में जिंक व कापर 5:3 के अनुपात में है, तो अनुपात का 5:4 करने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए। तो कह रहे कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए ना, कॉपर मिला रहे हैं ना, किसकी मात्रा सेम होगी, जिंक की मात्रा सेम होगी क्योंकि कॉपर मिला रहे हैं, तो जिंक होगा। और कुल मिश्रण कितना दिए हैं, 400 ग्राम दिए हैं ना, 400 ग्राम और इसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 दिए हैं, 5:3, तो 5 को ऊपर रखेंगे, 5×3 = 8 होता है ना, 8 नीचे हो जाएगा, रेशियो 400, मिश्र धातु तो लिखेंगे ही 400 ना, फिर वो कह रहे हैं कितना कॉपर और मिला दें, हाँ कह रहे हैं कितनी मात्रा में कॉपर मिलाया जाए, तो मान लीजिए एक्स कॉपर मिला देंगे, रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 4 का हो जाएगा, 5/5 और 4 दिए हैं ना, 5 को ऊपर रखेंगे, बटे में कुल जोड़ के लिखते हैं, 9 हो जाएगा,
तो पांच से पांच कैंसिल होगा, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, 9 का गुणा 50 में होगा तो कितना आ जाएगा, 450 आएगा, इक्वल टू 400 + x होगा। देखिए 400 इधर आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो कॉपर की मात्रा कितनी आई, 50 ग्राम आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है, तो चावल को कितने मात्रा में कितने रुपए में खरीदा गया, तो देखते हैं। दिए हैं चावल और गेहूं, 380 रुपए में चावल और गेहूं खरीदते हैं। चावल व गेहूं का वजन दिए हैं 4 और 3। चावल और गेहूं का वजन 4:3 दिए हैं ना, ये क्या दिए हैं, वजन दिए हैं ना, वजन। फिर देखिए, फिर ये कह रहे हैं और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है। कीमत की अनुपात, कीमत कितना दिए हैं, 5:6 दिए हैं ना। अब देखिए, ये 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है, 5 रुपया है, तो 4 किलोग्राम की कितनी होगी, हम गुणा करा के लिखेंगे, 5 × 20 आ जाएगा, 20 रुपया। रेशियो, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 6 रुपया है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 18 होगा, 18। तो ये कह रहे हैं चावल को कितने में खरीदा गया, हाँ कह रहे हैं चावल को कितने में खरीदा गया ना, चावल का पूछ रहे हैं ना। फिर देखिए, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति 380 रुपए में चावल व गेहूं खरीदता है, 380 रुपए में। और यहाँ पे अगर हम चावल और गेहूं का दोनों का मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 रुपए में चावल और गेहूं खरीद रहे हैं और वो कितने का कह रहे हैं, 380 रुपए का कह रहे हैं ना, तो यहाँ भी हमें 380 लेके आना है, तो 10 से गुणा कराएंगे ना, तो 10 से यहाँ गुणा कराएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ेगा और यहाँ भी 1 जीरो बढ़ेगा। अब देखिए, अगर वो चावल का पूछेंगे तो 200 रुपया होगा, गेहूं का पूछेंगे तो 180 रुपया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका खर्च 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपया मासिक बचत करता है तो उन दोनों की मासिक आय क्या होगी, तो दोनों की मासिक आय निकालनी है ना। देखते हैं, मासिक आय दिए हैं ए और बी की 6 और 5 दिए हैं। ए रेशियो बी 6:5 मासिक आय दिए हैं। ए और बी की, और खर्च कितना कर रहे हैं, 4:3 खर्चा कर रहे हैं, 4 और 3 ये खर्च दिए हैं। अब देखिए, अगर हम आय में से खर्च घटाते हैं तो बचत आता है ना, घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 2, बचत आ गई, बचत। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपया मासिक बचत करते हैं, दोनों लोग 400 रुपए की बचत कर रहे हैं ना, तो इसमें 400 रुपया लाने के लिए क्या करेंगे, 200 से गुणा कराएंगे, तो 200 से इसमें गुणा कराएंगे, 200 और 200 से इसमें गुणा कराएंगे, तो 200 200 से हम सब में गुणा कराएंगे। पूछ क्या रहे हैं, मासिक आय पूछ रहे हैं ना, तो हम मासिक आय में भी 200 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 1200 हो जाएगा, और ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 1000 आ जाएगा बी की। तो ये कह रहे हैं उन दोनों की मासिक आय क्या होगी, ए और बी की मासिक आय पूछ रहे हैं ना, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 1200 को और 1000 को, तो 1200 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा, 2200 रुपया दोनों की मासिक आय है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
480 सिक्के 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या निकालनी है ना, देखते हैं। दिए हैं 480 सिक्के हैं, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे हैं। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे हैं और इनका मान 5:3:1 है। 5:3:1 है। 50 पैसे में 50 पैसे के 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे, 2 सिक्के। 25 पैसे 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के? 4 सिक्के होंगे, 4 हो जाएगा। और 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, 10 सिक्के। और ये क्या दिए हैं? उनका मान कह रहे हैं, उनका मान 5:3:1 दिए हैं। 5:3:1 हो जाएगा। तो 2×5=10 / 3×12=10 हो जाएगा। ये आ गया सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या आ गई। कुल सिक्कों की संख्या कितनी आई? 10, 12 और 10 आई। सबको हम जोड़ेंगे, 10, 10, 20, 20 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और ये कितना दिए हैं? 480 सिक्के दिए हैं। कितना? 480 सिक्के। और हमारा कितना आया है? 32 आया है ना। तो 32 में हम कितने से गुणा करा दें कि 480 आ जाए? तो भाग देते हैं 32 से। तो 4×8=32, 4×1=8, तो 4×2=8, 4×3=12, 2×1=2, 2×1=2×5=10। तो 15 से हम गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 480 आ जाएगा। कराते हैं, 15 से गुणा, यहाँ भी 15 से गुणा, यहाँ भी 15 से और यहाँ भी 15 से गुणा कराएंगे ना। और ये पूछ रहे हैं तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताइए। प्रत्येक सिक्कों की संख्या ना, 50 पैसे के इतने सिक्के हैं, 25 पैसे के इतने, 10 पैसे के इतने हैं, तो हम सबको गुणा कराएंगे तो ये 150 आ जाएगा, 150 सिक्का। और ये 15 का गुणा 12 में कराएंगे तो 180 सिक्का आएगा, ये 150 सिक्का आएगा। तो सब सिक्कों की संख्या कितनी आई? 150, 180 और 150 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 420 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है। उनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा दिए हैं, यही तो दिए हैं। फिर कह रहे हैं उनका मान 13:11:7 है, 13:11:7 है। अब देखिए 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 सिक्के होंगे। 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे ना। तो ये 2 सिक्के हो जाएंगे। तो ये सिक्कों की संख्या आएगी, सिक्कों की संख्या ना। 20 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के? 5 सिक्के। और ये कितना दिए हैं? 13:11:7 दिए हैं, 13:11:7 दिए हैं। तो दोनों को अगर हम गुणा कराएंगे तो कुल सिक्कों की संख्या आ जाएगी, कुल सिक्कों की संख्या 13:11:22:7×35 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कुल सिक्कों की संख्या आ जाएगी ना। तो जोड़ते हैं, 5 5 2 7 7 3 10,
एक हासिल, 3 2 5, 5 1 6 1 7, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी आई? 70 आई। और ये कह रहे हैं 42 सिक्के हैं, 420 सिक्के हैं, कितने हैं? 420 सिक्के हैं, तो 70 में हम कितने से गुणा करा दें कि यहाँ भी हमारा कुल सिक्का 420 आ जाए? तो 6 से गुणा कराएंगे, 6 से यहाँ पे गुणा, 6 से इसमें, 6 से इसमें और 6 से इसमें कराएंगे, सब में हम 6 6 से गुणा करा देंगे। तो पूछ क्या रहे हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे, 50 पैसा वाला पूछ रहे हैं ना, तो यही तो है 50 पैसे वाला। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 132 सिक्के होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बक्से में 56 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुना है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो इसमें बताना 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। दिए हैं, एक बक्से में 56 रुपया है और 1 रुपया है, 50 पैसे है, 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं ना, यही तो कह रहे हैं। तो 1 रुपये के, हाँ फिर देखिए, फिर वो कह रहे हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुने हैं, 25 पैसे के सिक्के से 2 गुने हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर देखिए, कह रहे 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुने हैं, ठीक है, तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने हैं। 1 रुपये के सिक्के से ये 4 गुना है, तो इसका हम 1 मानेंगे तभी तो 4 गुना आएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर ये कह रहे हैं, हाँ तो कह रहे हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के कितने सिक्के, ठीक है, यही वाला हमें बताना है। 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, 1 सिक्का ना, 50 का गुणा 4 में कराएंगे तो 200 सिक्का आ जाएगा, 5 20, 25 दूना 50 सिक्का आएगा। तो ये सिक्कों की संख्या आ गई, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। फिर ये कह रहे हैं, यहाँ पे 1 रुपया नहीं होगा, सबको हम पैसे में चेंज करेंगे, ठीक है, ये पैसा है, ये पैसा है, तो ये भी पैसा हो जाएगा, 1 रुपया नहीं होगा, 100 पैसा लिखेंगे, तो 100 का गुणा 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 100 पैसा, ये भी आ जाएगा। और ये रेशियो में है तो रेशियो में हम कर देंगे इसे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भी ये पैसा 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 आ गया, और ये क्या कह रहे हैं, एक बक्से में 56 रुपया है, 56 रुपया दिए है ना, तो इसे भी तो हम पैसे में चेंज करेंगे, चेंज करते हैं पैसे में, तो ये हो जाएगा 56 2 0 इधर और बढ़ जाएगा, तो ये कुल कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। और यहाँ पे तो पहले हम x मानते हैं, फिर x, यहाँ भी x, 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 तो ये हो जाएगा 350x इक्वल टू 5600, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 5 7 35, 5 1 5, 5 1 5 2 10, 7 1 7, 7 1 7, 7 6 42, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। तो ये कह रहे 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4x है ना, तो ये सिक्कों की संख्या ही तो है, सिक्कों की संख्या, 100 पैसे का
एक सिक्का 50 पैसे का 4, 25 पैसे का 2 है, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 16 चौका 64 आ जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के? 64 सिक्के। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 338 रुपये को ए बी और सी में 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया गया, बी द्वारा प्राप्त हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी द्वारा हिस्सा निकालना है ना कि बी कितना हिस्सा कितना रुपया प्राप्त किया। तो देखते हैं, दिए हैं ए बी और सी तीनों का रेशियो 2, 3, 4 दिए हैं। ए बी सी 2, 3 और 4 दिए हैं ना, यही तो दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 7, 2, 9 आ जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं, हाँ, 338 रुपये को, 338 रुपया है ना, और इन तीनों में उसे बांटना है, तो यहाँ पे 9 आ गया। x मानेंगे x x, तो 9x आ गया। और कितने में विभाजित करना है, कितना रुपया है, 738 रुपया है, तो 738 के बराबर करेंगे। 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18, x = 82 आ गया। x की वैल्यू किस में रखेंगे, कह रहे b द्वारा प्राप्त हिस्सा ज्ञात कीजिए। b का निकालना है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 3 × 82, तो 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 246 रुपया बी को मिला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1740 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 0.5a = 0.6b = 0.75c, तब सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी का मान निकालना है ना, यहाँ तो पहले हम सबका रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। तो दिए हैं 0.5a = फिर दिए हैं 0.6b = 0.75c दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे ना, पहले तो यहाँ से तो हम पॉइंट गायब करते हैं, कैसे, एक अंक बाद दशमलव है ना, तो हम यहाँ पे बटे में 10 करेंगे ना, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, बटे में 10, पॉइंट हटा ये 0, पॉइंट हटा 0 भी हटा, दो अंक बाद दशमलव है ना, तो हम 100 से भाग देंगे, 100 पॉइंट हट जाएगा, तो 5 × 1 = 5, 2 × 10, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 25 × 3 = 75, 25। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे ना, ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, बटे में लिखते हैं ना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा ना। तो 2 1/2 है ना, तो 2/1 लिखेंगे, रेशियो बी का 3/5 है ना, 5/3 लिखेंगे, पलट के लिखते हैं संख्या, 5/3 रेशियो सी का 3/4 है ना, इसे भी हम पलट के लिखेंगे, 4/3 हो जाएगा ना। अब देखिए, 3, 3, 3 एलसीएम आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6:5:4, ये तीनों का तो रेशियो आ गया। फिर ये कह रहे हैं, तब सी का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान निकालना है ना, ठीक है, सी का मान निकालना है। और ये कुल कितना दिए हैं, 1740 रुपया तीनों में बांटना है, तो यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे, कुल कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 10, 5 = 15 आ जाएगा। यहाँ पे कुल कितनी राशि आई, 15 आई। और ये कितना दिए हैं, 1740 दिए हैं, 1740 दिए हैं ना। तो 15 में हम कितने से गुणा करा दें कि 1740 आ जाए, नहीं पता है, तो हम 15 से भाग दे के देखते हैं। 15 × 15 = 15, 2 × 17 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 2 × 17 =
पाँच चौक 20, पाँच अठे 40 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो 15 में हम 116 से गुणा कराएंगे तो 1740 मिल जाएगा। तो सब में हम 116 से गुणा कराएंगे, लेकिन वो पूछ क्या रहे हैं, सी का पूछ रहे हैं ना, सी का, हाँ कह रहे हैं सी की मान बताइए। तो हम सी में ही गुणा कराते हैं, क्यों सब में कराएं गुणा, तो सी में गुणा कराएंगे। सी का कितना हिस्सा आया है, 4 है ना, तो इसी में गुणा कराएंगे, 4 × 116। तो 6 × 4 = 24, 2 हासिल, 4 × 1 = 4, 2 × 6 = 4, 4 × 1 = 4। तो 464 रुपया सी को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को एक्स वाई और जेड में बांटा गया, यदि एक्स वाई से 25% अधिक व वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें तीनों का रेशियो बताना है ना, एक्स वाई और जेड का रेशियो बताना है। देखते हैं, दिए हैं एक्स वाई से, हाँ कह रहे हैं एक्स वाई से 25% अधिक, एक्स वाई से 25% अधिक, तो वाई का तो हम 100 मानेंगे, कह रहे हैं एक्स वाई से 25% अधिक, तो 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे ना, अधिक की बात कर रहे हैं ना, 125 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे, वाई जेड से 25% कम, तो जेड का हम 100 माने हैं, 25 अगर हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई का, 75 होगा। तो 25 × 75, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100 हो गया। अब यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालते हैं, एक्स वाई और जेड का, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, कैसे निकालेंगे, जेड बनाकर निकालेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो 5 × 3 = 15, एक्स के नीचे 15 लिखेंगे, वाई के नीचे 3 × 4 = 12 लिखेंगे, रेशियो जेड के नीचे 4 × 4 = 16 लिखेंगे। तो तीनों का रेशियो कितना आ गया, 15, 12 और 16 का आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से 7 रुपया अधिक प्राप्त करे, बी सी से 8 रुपया अधिक प्राप्त करे, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें सब ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात बताना है ना, दिए हैं हाँ कह रहे हैं 53 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से 7 रुपया अधिक प्राप्त करें, ए बी और सी, ए बी से, हाँ ए बी से 7 रुपया अधिक, तो बी का हम एक्स मान लेंगे, ए 7 रुपया अधिक प्राप्त कर रहा है ना, तो एक्स में हम 7 जोड़ लेंगे ना। फिर ये कह रहे हैं बी सी से 8 रुपया अधिक प्राप्त करता है, बी सी से, तो सी का एक्स हो जाएगा, 8 रुपया अधिक प्राप्त कर रहा है, तो ये होगा 8 रुपया अधिक। तो फिर कह रहे हैं, फिर शुरू से हम पढ़ेंगे, ए बी से 7 रुपया अधिक प्राप्त करता है, ए जो है बी से 7 रुपया अधिक प्राप्त कर रहा है, तो इसी में हम 7 जोड़ेंगे, 8 में 8 × 7 = 15 हो जाएगा, तो इतना अधिक प्राप्त कर रहे हैं। अब हम तीनों को जोड़ लेंगे, 3x + 8 × 5 = 13, 23 हो जाएगा। और कुल कितनी राशि दिए हैं, 53 रुपया दिए हैं, 53 रुपया, तो 23 है ना, 23 को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 30 आएगा, 3x = 30, 3 × 10 = 30, एक्स की वैल्यू 10 आई। और तीनों का रेशियो बताना है ना, ए बी और सी का बताना है, तो सब में हम एक्स की वैल्यू रखते हैं, कितनी है, 10 है, 10 में 15 जोड़ेंगे 25 आएगा, 10 रखेंगे, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो
तीनों का रेशियो।